नमस्ते, ऑलराउंडर रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। उसके लिए चाहिए 150 ग्राम पनीर, मैंने 150 लिया, आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 150 ग्राम पनीर। और उबला हुआ मटर ले लेंगे 80 ml कप से। और 2 टमाटर है, 1 प्याज है, लहसुन की 8 कलियाँ हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और हल्दी टीस्पून से 4 भाग का 1 भाग है, नमक आधा चम्मच, और मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, और 1 हरी मिर्च। हम अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट करेंगे इन तीनों का एक साथ, और टमाटर का पेस्ट अलग से करेंगे। और हम मटर पनीर मसाला लेंगे करीब 3 चम्मच, इस चम्मच से 3 चम्मच लेंगे। सबसे पहले हम पनीर को भून लेंगे। मटर पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर सरसों तेल यूज कर रही हूँ, 30 ml ली हूँ, चम्मच के अनुसार 4 चम्मच है। तेल गरम होने के बाद में हम इसमें पनीर डालेंगे, इस तरह कर लेंगे। अब पनीर को पहले फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमने फ्राई कर लिया है, अब किसी तेल में हमें ग्रेवी बनाना है। पनीर भून लिए थे वही वाला तेल है, उसी में हम अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसको पकाएंगे 1 मिनट तक, फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, फिर इसे भूनेंगे 2 मिनट तक। थोड़ी सी हल्दी डालनी है, मसाले में हल्दी है इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। अब इसमें हम मटर डाल लेंगे। इस तरह भूनेंगे, भूनने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च डाल देना है। अब इसको भूनेंगे। देखिए मैं 3 चम्मच इसे पानी में घोलूंगी, 2 चम्मच, ये 3 चम्मच भर भर के लेना है। अब इसे में पानी मिक्स करेंगे, आधा कप करीब। ये मैंने मटर पनीर मसाला दिया था 3 चम्मच, उसकी ग्रेवी है। अब हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। एक मिनट चलाने के बाद फिर इसमें पनीर और थोड़ी सी पानी मिला देंगे। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, मिक्स करेंगे, और नॉर्मली जो पानी पीने वाला गिलास होता है उस गिलास से आधा गिलास पानी डाल देंगे, और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसे उतार देंगे। मटर पनीर बनके तैयार है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, ये आपकी मर्जी है डालें या ना डालें, लेकिन चीनी डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपको पसंद हो तो डालें, ना तो ना डालें, और इस तरह करके मिला लें। अब ये बनके तैयार है। आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं अगर पसंद हो तो, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दें। अब इसे सर्व करेंगे। इस तरह करके बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं। आप एक बार चीनी डालकर ज़रूर ट्राई करें, चीनी से टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहें तो ये मटर पनीर पर इस तरह करके पनीर से घिस सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर आपको मटर पनीर की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।